आज हम बात करेंगे एक्चुअल में wordpress.org वर्सेस wordpress.com। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक्चुअल में wordpress.org वर्सेस wordpress.com। अब इसका क्या मतलब हुआ तो मैं आपको बताता चलूं। WordPress बेसिकली दो तरह के हैं, एक wordpress.com है, एक wordpress.org है। दोनों के अंदर WordPress ही यूज हो रहा है, बट इनमें डिफरेंस क्या है और हमें कौन सा चूज करना है जिसके ऊपर हम फ्यूचर के अंदर काम करेंगे और क्यों उसे चूज करना है, तो इसकी रीजंस के बारे में आज हम बात करेंगे। तो बेसिकली जो wordpress.com है वो एक लिमिटेड एडिशन है, राइट। उसके अंदर आप मजीद ज्यादा जो है वो कस्टमाइजेशन नहीं कर सकते, ज़्यादा प्लगइन्स इंस्टॉल नहीं कर सकते। उसके लिए आपको अच्छी खासी अमाउंट पे करनी पड़ती है क्योंकि वो ऑलरेडी मैनेज्ड वर्डप्रेस है, राइट, एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट के अंदर। ऑन द अदर एंड जो wordpress.org है वो कम्प्लीटली फ्री वर्डप्रेस है और उसको आप जस्ट डाउनलोड करके आपने सिर्फ और सिर्फ डोमेन और होस्टिंग बाय करनी होती है। डोमेन आपकी वेबसाइट का नाम हो गया .com, लाइक ehsan.com, ehsandanish.com, और होस्टिंग जहां पे आपकी वेबसाइट का डाटा होस्ट हो रहा है, रखा है, उसको हम होस्टिंग कहेंगे। मजीद आगे चल के डोमेन और होस्टिंग के अबाउट डिटेल के अंदर बात करेंगे। तो आपको बेसिक फर्क पता चल गया होगा कि wordpress.com के लिए आपको पैसे पे करने हैं उस, क्योंकि वो ऑलरेडी मैनेज्ड है, और wordpress.org है वो कम्प्लीटली फ्री है। इसके अलावा और बहुत सारे जो हैं इसके अंदर डिफरेंसेस हैं, उनको हम कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर जाके देखते हैं। तो जी, हम आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे देखें, फ्री 2-3 हंड्रेड पर ईयर, राइट। आपको .com के अंदर एक फ्री प्लान मिलता है जिसके अंदर आप लिमिटेड से वेबसाइट बना सकते हैं, कोई कस्टमाइज उसे नहीं कर सकते ज़्यादा। जस्ट आपने सिंपल अपना ईमेल देना है, नाम देना, और आपका वेबसाइट बन जाएगी एक सब डोमेन के साथ। और वो जो चीज़ है वो उस तरह से प्रोफेशनल वेबसाइट आपके पास नहीं होगी। उसके अलावा इनके डिफरेंट प्लान्स हैं .com वालों के, जिनको आप चूज़ करके उसके अंदर वेबसाइट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आप इस हद तक इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं, इसको इस तरह से कस्टमाइज़ नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें रिस्ट्रिक्शंस हैं वहाँ पर। ऑन द अदर हैंड जो हमारे पास wordpress.org है, उसे हमारे पास हमें $50 पर ईयर उसका पे करना पड़ता है। wordpress.org itself फ्री है, लेकिन उसको होस्ट करने के लिए हमें डोमेन और होस्टिंग चाहिए। उसका ऑलमोस्ट खर्चा मैक्सिमम $50 पर ईयर है, राइट। इसको मैं आपको आगे चल कर बताऊँगा किस तरह से $35 के अंदर, उससे भी कम डॉलर्स के अंदर आप क्या कर सकते हैं, डोमेन और होस्टिंग बाय कर सकते हैं और उस पर फ्री ऑफ कॉस्ट वर्डप्रेस यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद होस्टेड बाय वर्डप्रेस, और यहाँ पे सेल्फ होस्टेड बाय यू, मतलब जो डोमेन और होस्टिंग हम लेंगे उसके ऊपर इसको होस्ट करेंगे। होस्ट का मतलब होता है कि हम अपना जो वेबसाइट है उसको एक सर्वर के ऊपर रखेंगे, दिस इज कॉल्ड होस्टिंग, राइट। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास फ्री सब डोमेन मिलेगी, सब डोमेन होती है, आगे चल के हम बात करेंगे डिटेल के अंदर, हमें माइट भी आपको अभी समझना है। और कस्टम डोमेन नेम हम wordpress.org के अंदर सेटअप कर सकते हैं, उसके अंदर भी कर सकते हैं लेकिन इसमें भी कर सकते हैं, दोनों ऑलमोस्ट सेम ही चीज़ है। नो मेंटेनेंस, क्योंकि wordpress.com ऑलरेडी मतलब wordpress.com वालों ने होस्ट किया हुआ है और वो उसको खुद ही मेंटेन करते रहते हैं, जबकि आपको wordpress.org को खुद मेंटेन करना पड़ेगा। मेंटेन करना कोई रॉकेट साइंस नहीं, आगे चल के मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद लिमिटेड कस्टमाइजेशन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है जिसकी वजह से हम स्विच कर जाते हैं wordpress.org की तरफ। यहाँ पे हम लिमिटेड कस्टमाइजेशंस कर सकते हैं, वो चीज़ें जो हम करना चाह रहे हैं अपनी वेबसाइट के साथ वो हम यहाँ पे नहीं कर पाते, और जबकि wordpress.org के अंदर हम पूरी कस्टमाइजेशन करना कर सकते हैं, फुली कस्टमाइजेबल है। इवन इसके अंदर हम सेल्फ रिटन कोड भी ऐड कर सकते हैं, ये जो मर्जी चाहे इसके अंदर हम ऐड करना चाहें वो कर सकते हैं। यहाँ पे ई कॉमर्स विद टॉप प्लान है, यहाँ पे आपको ई कॉमर्स अगर वेबसाइट बना रहे हैं तो उसके प्लगइन के लिए अलग से पे करना पड़ेगा उसके प्लान के लिए, और यहाँ पे आपके पास सिंपल फ्री में प्लगइन अवेलेबल है जिसको यूज़ करते हुए आप किसी भी तरह की ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हैं। यहाँ पे आपके पास फॉरम सपोर्टेड नहीं है, फॉरम्स क्या होते हैं मैंने अभी जैसे आपको बताया, उस तरह की वेबसाइट्स अगर आपको बनानी है। ऑन द अदर हैंड BBPress एंड WordPress, यहाँ पे wordpress.org और इसके सिमिलर बहुत सारे प्लगइन्स अवेलेबल हैं जिनको यूज़ करते हुए आप फॉरम्स बना सकते हैं। उसके बाद सिंगल साइट ओनली, यहाँ पे सिंगल साइट ओनली, और यहाँ पे आप मल्टीपल वेबसाइट्स होस्ट कर सकते हैं एक सिंगल होस्टिंग के ऊपर।
ग्रेट फॉर न्यू ब्लॉगर्स, फॉर ऑनलाइन रिज्यूमे। अगर आपके पास पैसे बिल्कुल नहीं है तो फ्री में जाके आप WordPress.com के ऊपर जस्ट सिंपल साइन अप कर सकते हैं और वहाँ पे कुछ मिनिमम कस्टमाइजेशंस के साथ, इवन जो कस्टमाइजेशंस की लिमिट है वो ना होने के बराबर है, आप मतलब उसको कस्टमाइज इतना अच्छा नहीं कर सकते, जस्ट अपना डाटा इनपुट कर सकते हैं एक रैंडम वे के अंदर। ऑन द अदर हैंड WordPress.org है जो यहाँ पे, ये टोटली सीरियस ब्लॉगर्स और जिन्होंने वाकई में अपने बिजनेस के बारे में बात करी है, अपने क्लाइंट के बिजनेस के लिए एक अच्छी वेबसाइट डेवलप करनी है, उनके लिए WordPress.org है। ऑब्वियसली यू एंड मी आर प्रोफेशनल नाउ एंड हम यूज करेंगे WordPress.org। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ और मजीद डिस्कस करेंगे WordPress के अबाउट। अल्लाह हाफिज़।